बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरजाना राजा, अपने चैनल फरजाना राजा ऑफिशियल के साथ। मैं आज आपके सामने पेश हुई हूँ बहुत ही अरसे के बाद, आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए। आपने आपकी जितनी नेक ख्वाहिशात, आपकी दुआएं, आपकी नेक तमन्नाएं मुझ तक पहुँची मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ, उन्हीं दुआओं की वजह से आज मैं मौजूद हूँ और आपके सामने मौजूद हूँ। एक तो उन सब दुआओं का बहुत शुक्रिया, और मेरे तमाम रिश्तेदार, मेरे तमाम दोस्त अहबाब जो जो मुझसे रबते में थे और जो नहीं थे, जिन जिन को मेरी मुश्किलात के बारे में पता चला उन्होंने दुआएं की, मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक आपका ये सवाल है जो लोगों ने बहुत पूछा और मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछा कि मैं कहाँ थी इतना अरसा, मैंने क्या किया, मैं क्यों नहीं सामने आई, तो मैं सिर्फ इतना बताऊँगी कि ये मेरे ज़ाती फैमिली के और इज़दवाजी मसाइल थे और बच्चों के मसाइल थे, जिसकी वजह से मैं आपके सामने बहुत अरसे तक पेश नहीं हो सकी। सिर्फ इतना एक जुमला कहूँगी कि जब एक माँ अपने बच्चों के मसाइल को हल करने में नाकाम हो जाए तो वो दुनिया के मसाइल और उनके बच्चों के मसाइल हल नहीं कर सकती। तो मैंने बतौर माँ अपनी ज़िम्मेदारी निभाई, और मेरे लिए वो बहुत मुश्किल वक्त था जब मेरे बेटे ने, जो कि 14 साल का बच्चा था, अपनी जान लेने की कोशिश की ज़ाती तशद्दुद की वजह से और घरेलू मामलात की वजह से और मेरे साबका शौहर के तशद्दुद की वजह से। तो अब मैं आपके सामने मौजूद हूँ। मैं इतना ही बयान करूँगी कि वो एक तूफ़ान था, एक बहुत बड़ा तूफ़ान था जो कि ख़त्म हो गया, थम गया है। जितनी उस तूफ़ान से तबाही होनी थी वो हो चुकी, अब दोबारा से रिहेबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन का वक्त है, और मैं अपनी लाइफ को, अपने बच्चों की लाइफ को रिहेबिलिटेट कर रही हूँ। और दूसरी बात कि मैं अमेरिका में रहती हूँ, मैं इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगी कि जितनी जल्द मैं आपके सामने भी आ सकूँ मैं आऊँगी। और जहाँ तक ताल्लुक है कि अब मैं क्या करूँगी, तो मैंने ये तहिया कर लिया है कि मैंने अपनी ज़िंदगी को डेडिकेट कर दिया है दो हिस्सों में, एक खुदा की मखलूक की खिदमत और दूसरा अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश, जो मेरी ज़िंदगी का हमेशा मकसद रहा है। मैं जहाँ पर आपसे अपनी तकलीफ़ें शेयर की, मैं अपनी दो कामयाबियाँ, जो बहुत बड़ी कामयाबियाँ हैं, वो शेयर कर लूँ कि मैंने किताब लिखी है वुमेन एम्पावरमेंट और पावर्टी एलिविएशन पे, और उस किताब का लिंक मेरे वेबसाइट पे मौजूद है जो कि इस वीडियो के नीचे है। अगर आप लोग वो किताब देखना चाहें, ख़रीदना चाहें, उस तक पहुँचना चाहें, तो आप उसको लिंक को क्लिक कर सकते हैं। दूसरी बड़ी चीज़ यह है कि मुझे यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की तरफ से ह्यूमैनिटेरियन एक्शन और पीस बिल्डिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जो कि पूरी दुनिया के अवाम का एक सब्जेक्ट है, उस पर मुझे उन्होंने मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर किया जो कि मैंने अभी मुकम्मल कर लिया है माशाल्लाह। और ये मेरे काबिलियत में एक इजाफा, मेरे प्रोफाइल में एक इजाफा हुआ है। तो बाकी अब इसके बाद से, आज से मैं आपके सामने हाजिर हूँ और मैं अपने मिशन के ऊपर गामजन हूँ, और आपके सामने नई नई वीडियोस लेके पेश होती रहूँगी। और मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि मैं कैसे आप तक पहुँचूँगी और मैं आप लोग मुझ तक कैसे पहुँच सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं शुक्रगुजार होंगी, ताकि आप तक अब मेरी कदम कदम और मिनट मिनट की जो कारकर्दगी है और जो काम है वो आप तक पहुँचता रहे और मैं आपसे रबते में रहूँ हमेशा के लिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।